जी हाँ, तो गुड मॉर्निंग सभी को। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रेड चेरी श्रिम्प है। रेड चेरी श्रिम्प, जिनको प्लांटेड एक्वेरियम्स में बहुत ही तवज्जो दिया जाता है, एक मास्टर क्लीनर और एक बहुत अच्छे पेट्स के तौर पे। आज से 7 महीने पहले मैंने लगभग 15 से 20 श्रिम्प मंगवाए थे अपने लिए, और भगवान की दया से और मेरे अथक प्रयास से, थोड़ा सा क्रेडिट अपने आप को भी दे लेता हूँ, मेरे अथक प्रयास से, जुझारू रूप से किए हुए ब्रीडिंग से फालतू बात है, ठीक है, तो उसके वजह से मुझे ये श्रिम्प्स का एक अच्छा पॉपुलेशन मिला है। अब स्क्रीन पे आपको कुछ छोटा मोटा गोल मटोल मछली भी दिख रहा होगा। तो जी हाँ, ये मेरे लास्ट सर्वाइव 3 स्नेक स्किन ब्लू टेल गप्पीज हैं, बहुत रेयर, बहुत मुश्किल से मिले हुए। उसके बाद उनका जो पेरेंट्स था, उनका डेथ हो गया। पेरेंट्स के डेथ के बाद मैंने इनको बहुत मुश्किल से बड़ा किया, 3 पीस, जिसमें 2 मेल 1 फीमेल। आने वाले समय में एक्सपेक्ट करूँगा कि इनको ब्रीड कर सकूँ, बट कहा हुआ बात और सोचा हुआ बात पूरा नहीं होता है, इसलिए अभी सिर्फ बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि श्रिम्प का एक अच्छा खासा पॉपुलेशन रेडी हो गया है। अब ये टैंक मैंने इस वजह से खाली किया है क्योंकि मुझे इनको बड़े टैंक में शिफ्ट करना है। बड़े टैंक में अगर नहीं शिफ्ट करूँगा तो इनका पॉपुलेशन और नहीं बढ़ेगा। ये श्रिम्प फार्मिंग बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। कोई प्रोसीजर अगर आपको जानना होगा तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, क्योंकि मार्केट में इन श्रिम्प्स का कॉस्ट अच्छा मिल जाता है। तो प्लीज़, फार्मिंग जो आप कर रहे हैं उसके साथ ये एक ऐड कर सकते हैं। इनको नियो कैरेडिनास भी बोलते हैं, नियो कैरेडिना श्रिम्प के अंतर्गत ही ये लोग आते हैं, रेड चेरी श्रिम्प। इनका कल्चर बाकी श्रिम्प्स के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। ये जब बड़े टैंक में शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। तो जो मेरे रेड चेरी श्रिम्प है वो शिफ्ट हो चुके हैं एक बड़े टैंक में। बड़े टैंक का कहने का मतलब है कि ये टैंक 2 फिट लंबा, 1.5 फिट, सॉरी 1.25 फिट चौड़ा और 1.25 फिट ऊंचा है। अब इसमें प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा और श्रिम्प्स को ब्रीड करने के लिए भी एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। इसमें मैंने एक 75 वॉट्स का हीटर भी इंस्टॉल कर दिया है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये ड्रिफ्टवुड्स और इसके साथ जो है, आप ये भी देख सकते हैं कि एक महाशय जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ कुछ गुल 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 कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे श्रिम्प्स को यहाँ कर दिया गया है शिफ्ट। उसके साथ आ गई है मेरी स्नेक स्किन ब्लू टेल गप्पीज के पेयर, 2 मेल 1 फीमेल, जैसा मैंने प्रीवियस बताया था। और ये सेटअप कंप्लीट हो, ये देखिए साइड व्यूज जो कि आपको श्रिम्स टैंक का दिखेगा। ये देखिए एक और महाशय यहाँ पे स्पंज फिल्टर पे बैठ के गुलू गुलू कर रहे हैं और बाकी लोग तो नीचे बैठे ही होंगे। ये देखिए आप, ये एक और यहाँ आपको फोकस करके दिख रहा होगा। तो ये था अब तक का श्रिम्प का अपडेट। रही बात वाटर चेंज करने की, तो ये देखिए मैंने इसमें ड्रिप मेथड्स का इस्तेमाल किया है। एक बड़े बॉटल में पानी है और एक वाटर होज, या वाटर होज तो नहीं, एयर ट्यूबिंग के थ्रू पानी जो है इसमें जा रहा है। धीरे धीरे एक्लेमेटाइज़ करने का फ़ायदा यही है ताकि इनको किसी तरह का शॉक ना लगे। और ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं है, ये आरओ वाटर है। आरओ का मेरा खुद का प्लांट है, तो उस आरओ वाटर को मैं मैनेज करके इसमें
ऐड करता हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। तो और ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करूँगा, और ख़त्म करने के बाद तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। कोशिश कर रहा हूँ अपना भी चैनल ग्रो करने का। बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ों को मैनेज करके एक्वेरियम चैनल चला ही रहे हैं, तो मेरा चैनल भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, कुछ कुछ नया आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और रात शुभ हो।